रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अंडर 15 बालक बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। जिला क्रीडा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों के अतिरिक्त पौड़ी छात्रावास, अल्मोड़ा छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज के अंडर 15 बालक बालिका वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन बालिका वर्ग में बागेश्वर की दिया ने चमोली की सूची राणा को 15-7 और 15-6 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। वहीं दूसरे मैच में उद्धम सिंह नगर की रानी दानू ने हल्द्वानी की सौम्या को हराया। इसके साथ ही देहरादून की दीक्षा ने उद्धम सिंह नगर की प्रीति को 15-14 से मात दी। बालक वर्ग में हरिद्वार के यश ने रुद्रप्रयाग के निखिल को हराया। अल्मोड़ा के जगदीश ने हल्द्वानी के आराध्या को मात दी। उसके बाद चमोली के सिद्धार्थ ने ऋतिक गुसाई को 15-3 और 15-11 से हरा कर अगले चक्र में प्रवेश किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। अपने जिले की जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता अगस्त मुनि में आयोजित हुई है और इस तरह से मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसके आयोजन की तैयारियां की गई हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सम्पन्न होगा और हमारी बहुत सारी खेल प्रतिभाएं खासतौर पे ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनको एक अच्छा मंच यहाँ पर मिलेगा और इन्हीं मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी खेल प्रतिभाएँ पहुँचेंगी। खासतौर पर बैडमिंटन का जहाँ तक सवाल है, हमारे जो लक्ष्य सैन हैं आज देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इन सभी बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा के रूप में है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे।